अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मैं हूं आपका अपना दोस्त अवैध सिलेरी। आज हम बात करेंगे PRA यानी कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सेल टैक्स की रिटर्न जो है उसकी नील रिटर्न की। हमें अगर वर्किंग आपने ना की तो नील रिटर्न सेंड होती है, तो नील रिटर्न कैसे सेंड करेंगे? तो उसके लिए मैं सबसे पहले वेबसाइट पर चलते हैं, ई डॉट पी आर ए पर आप सर्च करेंगे तो ये आपको ये आ जाएगा। पहली वेबसाइट है, तो इसमें आपने अपने क्लाइंट का जो आपका NTN नंबर या उसका जो नल की रिटर्न है ना वो सबमिट हो जाएगी। लॉगिन नंबर और पासवर्ड आपको मिला होगा, वो आपने इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। यानी कि जो आपका लॉगिन की आईडी मिली होगी ना, यूज़र नेम और पासवर्ड, उस पर आपने क्लिक करने के बाद लॉगिन कर लेना है। जी दोस्तों, ये मेरा ये लॉगिन हो चुका है, लॉगिन आपके सामने। इसके बाद आपने इसकी डिक्लेरेशन में जाना है, सेल टैक्स में, सेल टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड सितंबर 2017 ऑनवर्ड, इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके लेफ्ट साइड पे ये हमसे पूछेगा कौन से टैक्स पीरियड की आपने सेल टैक्स रिटर्न सेंड करनी है। तो अभी हमारा मार्च चल रहा है, तो अभी पिछले महीने की जाएगी, फरवरी 2023 पे क्लिक करेंगे। सेल टैक्स ऑन सर्विस रिटर्न, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास रिटर्न ओपन हो जाएगी। अगर आपकी वर्किंग है तो फिर इसका डिफरेंट तरीका है, अगर वर्किंग नहीं है तो इसका फिर डिफरेंट तरीका है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इसकी नल रिटर्न सेंड करेंगे, नल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद हम इसकी हमसे ये पूछेगा कि कन्फर्म है कि आपने रिटर्न नल ही करनी है, तो इसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद या हमारा ऑलरेडी उसको जो उस क्लाइंट का होगा ना तो वो उसको उठा लेगा। लेकिन ये इसने एक एरर दे दिया था, बिफोर रिटर्निंग यू वॉलंटरली प्लीज सेंड अनेक्सर सी। जो अनेक्सर सी जो होता है ना उसको कहता है वो सेंड करो। अनेक्सर सी एक्चुअली होता है हमारी सेल का, जो हमने एक महीने में जो सेल की हो। तो अभी हमारा आपको बताया कि कुछ भी नहीं है, यानी कि जीरो के रिटर्न है, तो हम इसके ऊपर दोबारा बैक करते हैं और अनेक्सर सी को ओपन करके इसको सबमिट करते हैं। अनेक्सर सी पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होके हम इसको सिंपल नल इसका सेंड कर देंगे अनेक्सर सी। ये देखिए सबमिट अनेक्सर कह रहा है, हम इसको सबमिट अनेक्सर करेंगे। अभी हमसे ये पिन कोड मांग रहा है, जो आपके पास पिन कोड आया होगा ना आपने इसको ये पिन कोड इसमें मेंशन कर देना। जी पिन कोड लिख दिया हमने, मैं इसको कन्फर्म करूँगा। कन्फर्म के बटन पर हमने क्लिक करना है। तो ये देखिए कह रहा है जी अनेक्सर सी एन वाई सी सबमिट सक्सेसफुली, कहता जो हमारा अनेक्सर सी है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो इसको हमने ओके कर देना है। तो ये बैक पे इसके बाद जी इसके बाद ये हमारे पास अनसबमिट इनवाइस, यानी कि जो हमने इनवाइस अभी हम सबमिट की हैं जो इधर से पोर्टल से गई है, तो उसको हमने कंफर्म करना है या नहीं। तो अगर हमारा बिल्कुल नीला कंफर्म है तो आप सबमिट के नेक्सर पे क्लिक करना, नबी के बटन पे क्लिक करें। सबमिट नेक्सर पे हम क्लिक करेंगे, ये कहेगा आप यू वांट टू श्योर, कहते हैं आप कन्फर्म कर लें, तो हम इसको कन्फर्म करके हम इसको सेंड कर देंगे। तो अभी हमारा ये सबमिट हो गया। तो अभी रिटर्न सेंड करने के बाद अभी आप इसको अनसबमिट भी कर सकते हैं रिटर्न सबमिट होने से पहले पहले, अगर नहीं है तो आप इसको इसी तरह रहने में। इसके बाद हम बैक टू रिटर्न जो मेन है हम उसके ऊपर वापस आएंगे। उसके ऊपर वापस आके हम जी बैक पेज में हम वापस आ गए हैं। वापस आने के बाद हम नल रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। इधर एक क्वेश्चन अक्सर लोगों को होता है, नल रिटर्न और नील रिटर्न में क्या फ़र्क है? तो एक वीडियो मैं आपके ऊपर इसके ऊपर भी बना दूंगा, नल और नील में क्या फ़र्क है, तो आप उस वीडियो को लाजमन देख लेना, तो आपको इसको भी कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, अब अभी हम नल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। तो नल रिटर्न क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करने के ओके कर देंगे। तो अभी हमसे ये वेरीफिकेशन मांगेगा, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। जी हम इसको वेरीफिकेशन के बटन पर क्लिक करके आप तो उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पर आपको जो आप पिन कोड आपके पास वही जो आपने पहले दिया वही पिन कोड आपने मेंशन करना है। जी मैंने पिन कोड मेंशन कर दिया, अब इसको कंफर्म करूँगा। कंफर्म होते ही हमारी ये रिटर्न जो नल की रिटर्न है ना वो सबमिट हो जाएगी।